हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग जिस एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, उस एप्लीकेशन का नाम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। अगर आपको इसका लोन किसी भी कारण से पे नहीं कर पाते तो स्टेप बाय स्टेप ये एप्लीकेशन आपके साथ क्या कर सकती है और साथ में आपको क्या स्टेप लेना चाहिए अगर आप इसका लोन का रिपेमेंट नहीं करना चाहते। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन का लिंक दिया है, उस एप्लीकेशन को अगर आप लोग इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करते ही साल में आपको 250 रुपये का बोनस दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को दोस्तों करेंगे शुरू। तो वीडियो को हम लोग करते शुरू, बात करते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में। तो सबसे फर्स्ट में पता करेंगे कि क्या ये एप्लीकेशन फेक है कि रियल एप्लीकेशन है। जी हाँ दोस्तों, ये 100% रियल एप्लीकेशन है और RBI से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। अगर आप इसे लोन लेते हैं तो आपको क्रेडिट हिस्ट्री में भी शो करेगा। इसके बाद अगर आप लोग किसी भी कारण से लंबे समय तक इसका पेमेंट नहीं कर पाते तो फिर आपके साथ क्या क्या होगा। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में ये एप्लीकेशन क्या करती है आपके साथ, तो देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा। आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि ये नोटिस आपको यहाँ पर कुछ ऐसा करके नोटिस दिख रहा होगा जो कि 100% फेक नोटिस है। मैं यहाँ पर आपको ये दिखा देता हूँ, यहाँ पर जूम करके भी देखिए, कुछ इस तरह का क्रेडिट बी लोन का आपको लीगल नोटिस यहाँ पर दिया जाएगा। टू क्रेडिट बी कस्टमर विषय समझौते के लिए निवर्तन और समझौते अधिनियम के धारा के द्वारा आपको कुछ ऐसा नोटिस आता है जो कि 100% फेक नोटिस है। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी डरना की जरूरत नहीं है। ये किसी भी आशुतोष गोस्वामी या किसी के नाम से ये नोटिस आपको कोई भी लॉयर नहीं सेंड किया, ये एप्लीकेशन वाले आपको एडिट करके सेंड कर दिए। इसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, इसकी गारंटी है। इसके बाद ये एप्लीकेशन वाले क्या करेंगे तो देखते हैं हम लोग इसके बाद का स्टेप। तो इसके बाद ये आपको काफ़ी ज़्यादा कॉल्स करके काफ़ी ज़्यादा आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लगातार कॉल आएंगी, कॉल के साथ हरेसमेंट भी किया जाता है। तो बात करेंगे हम लोग कॉल हरेसमेंट की, यहाँ पर देखिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको जैसे कि देख सकते हैं कॉल करके काफ़ी ज़्यादा तंग किया जाएगा और कॉल पर आपसे कुछ इस तरह यहाँ पर बात की जाएगी। आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि किस तरह से आपको बात की जाएगी और आपको काफ़ी ज़्यादा डराया भी जाएगा कॉल कर करके, ताकि आप इन लोगों का जो पेमेंट है वो कर दें। लेकिन आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पे बात करें तो नेक्स्ट स्टेप में फिर आपके साथ क्या होगा। सबसे पहले बात की कि आपको नोटिस भेजा जाता है, आपको कॉल पर डराया जाता है। इसके बाद अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस एप्लीकेशन वाले क्या करते हैं, तो ये एप्लीकेशन वाले जो आपको एजेंट का धमकी देते हैं कि आपके घर पर हम लोग एजेंट भेजेंगे। इसके बाद अगर एजेंट आपके घर पर मान लीजिए आ भी जाता है तो भी वो आपका कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कुछ कर सकता, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं। कैन आई गो टू जेल फॉर नॉट पेइंग अ पर्सनल मनी इन इंडिया। अगर आप गूगल पे जाके ये लाइन सर्च करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर मैं आज आपको बता ही देता हूँ। ये लाइन अगर आप सर्च कीजिएगा गूगल पर जाके तो आपको इसका आंसर ऐसे मिल जाएगा। ये मेरे पास स्क्रीनशॉट उसका है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, लोन डिफॉल्टर विल नॉट गो टू जेल। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने भी लोन नहीं दिया तो उनको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उनको कभी भी जेल जाना की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में बात करेंगे डिफॉल्टिंग ऑन लोन इज़ अ सिविल डिस्प्यूट, ये एक सिविल डिस्प्यूट है, इसमें पुलिस वाले भी आपका कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ही इस मामले पर आ सकती है और कोर्ट भी आकर आपको कुछ भी नहीं करेगी, ये भी 100% गारंटी है। और कोई भी एप्लीकेशन वाले आपको कुछ भी नहीं कर सकते, खासकर ये क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन वाले भी कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको बिल्कुल यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। क्रिमिनल चार्जेस कैन नॉट बी पुट ऑन अ पर्सन फॉर लोन डिफॉल्ट, इट मींस पुलिस जस्ट कैन नॉट मेक अरेस्ट। तो यहाँ पे पुलिस आपको कभी भी अरेस्ट नहीं कर सकती, ना ही आपकी कोई संपत्ति जो है वो जब्ती हो सकती है। ना जेन्युइन पर्सन अनेबल टू पे बैक द EMIs मस्ट बी नॉट बिकम होपलेस। तो अगर आप जेन्युइन पर्सन है और किसी भी कारण से आपका सही कारण है जिससे आप पे नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और डरने के बाद फिर क्या करेंगे, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि बहुत लोग डर के मारे यहाँ पर क्या कैसा कैसा स्टेप लेते हैं। तो वैसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, यहाँ पर डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर चलिए हम दिखा देते हैं आपको, ये देखिए। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए लास्ट स्टेप, ये लोग जो है कुछ लोग ऐसा करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं ये भी बात करेंगे। तो ये लोग कॉन्टैक्ट्स को भी कॉल करने की कोशिश करते हैं, कॉन्टैक्ट्स को कॉल करके आपकी डिटेल्स देंगे कि इस नाम का आदमी और इसने मेरा लोन नहीं दिया है। तो ये इन लोग की सबसे ख़राब बात है, इसलिए इस एप्लीकेशन वाले को बंद करना चाहिए। आपके कॉन्टैक्ट्स पर भी कॉल करेंगे, आपका फ़ोन का डाटा हैक कर लेंगे और आपके कॉन्टैक्ट्स पर भी कॉल करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मिलेंगे वीडियो में बहुत जल्द।